तो वहीं सिरसा पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता में समाधान निकलने की उम्मीद जताई है। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र की मांग करने वाले विपक्ष बजट सत्र में अपना दम दिखाएं और साथ ही उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से स्थिर है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। चल रही है एक एक विषय के ऊपर, अलग अलग चरणों के अंदर चर्चा हुई, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे पीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट की बात हो। पिछली जो चर्चा थी उसके अंदर जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बदलाव संगठन चाहते थे उसके ऊपर खुल के चर्चा हुई। कल एक दौर की चर्चा और है और मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं कुछ नतीजा इसके ऊपर निकल सकता है जिससे एटलीस्ट जो ये स्टैंड ऑफ है ये खत्म। एक सदस्य ने रिजाइन किया है, जो रिक्यूज किया है मान साहब, उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट जल्द एक नया मेंबर दे जिससे एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 महीने के अंदर अपना निर्णय लेने के लिए कमेटी बनाई थी 8 हफ्ते में, वो जल्द अपना फैसला कर पाए। देखो जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात थी, आज हमारे क्षेत्र के अंदर आउटपुट की एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कॉटन की बेल्ट अब 8 जिलों से ज़्यादा में फैल चुकी है और इसके अंदर इजिप्शियन कॉटन मार्केट वैल्यू से 4-5 हज़ार रुपये महंगी बिकती है। मैं तो उनसे मांग करी है कि जैसे हम बीटी कॉटन सीसीआई प्रोक्योर करता है, वैसे ही इजिप्शियन कॉटन की भी एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे जिससे फार्मर भी प्रेरित होकर इजिप्शियन कॉटन की तरफ डाइवर्सीफाई करें। साथ में हमारे इस इलाके के अंदर अपॉर्चुनिटी है टेक्सटाइल हब बनने की, हमारे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक जो सपना है वो पूरा। अनेक विषयों पर चर्चा हुई थी और उम्मीद है कि हरियाणा को और समृद्ध बनाने में हम कामयाब रहेंगे। हमारी कई देशों से भी चर्चा चल रही है कि एफएड की जो हमारी प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उनको भी हम उन देशों में भेजें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।